जम्मू कश्मीर में चल रहे एनकाउंटर ऑपरेशन पर। जम्मू कश्मीर के डोडा में सोमवार रात सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जो शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा के उत्तरी इलाके में आतंकियों के खिलाफ एक जॉइंट अभियान चलाया है और इस दौरान भारी गोलीबारी भी हुई है, जिसमें 4 जवान के शहीद होने की जानकारी मिल रही है। कुछ जवानों के घायल होने की भी खबर है और जम्मू कश्मीर डिविजन के डोडा में ये 32 दिन में 5वां एनकाउंटर है। इससे पहले 8 जुलाई को आतंकियों ने कठुआ जिले में सेना के वाहन पर हमला किया था, जिसमें जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हुए थे, जबकि 5 जवान घायल हुए। उससे पहले 26 जून को एक हमला और 12 जून को 2 हमले हुए थे। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे दें, जम्मू कश्मीर के डोडा में जो सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है, उस पर ये बड़ी अपडेट मिल रही है कि इस एनकाउंटर में अभी 4 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा के उत्तरी इलाके में आतंकियों के खिलाफ एक संयुक्त अभियान चलाया हुआ है और इस दौरान भारी गोलीबारी हुई, 4 जवान शहीद हो गए हैं, कुछ जवानों के घायल होने की भी खबर है। आपको बता दूं, जम्मू डिवीजन के डोडा में यह 32 दिन में 5वां एनकाउंटर है। और अगली बड़ी खबर रायपुर से। रायपुर में 21 जुलाई को होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर होगी इसमें चर्चा और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के निवास पर होगी ये बैठक। सड़क के सदन तक सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। तो देखिए, सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। कानून व्यवस्था को लेकर भी मोर्चा खोलने को तैयार है अब कांग्रेस पार्टी। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां 22 जुलाई को विधानसभा सत्र छत्तीसगढ़ में शुरू हो रहा है, उससे ठीक एक दिन पहले रायपुर में 21 जुलाई को होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर इस पर चर्चा होगी और यह बैठक नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के निवास पर होगी। सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। पहले भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार नगरीय निकाय चुनाव से पहले मौजूदा सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। फिर चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा हो, या चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, तो कानून व्यवस्था को लेकर मोर्चा खोलने की विधानसभा सत्र के दौरान भी तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे, कांग्रेस की अब पूरी कोशिश है। इससे पहले यह भी जानकारी निकलकर सामने आई थी कि विधानसभा सत्र के दौरान तकरीबन 23 जुलाई को कांग्रेस पार्टी घेराव कर सकती है विधानसभा का। और अब यह जानकारी मैं आपको दे दूं कि रायपुर में 21 जुलाई को यानी कि 22 जुलाई से विधानसभा सत्र होने से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। विधायक के मानसून सत्र को लेकर चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के निवास पर होगी बैठक। सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। कई धरना प्रदर्शन, कई रैलियां जो है कांग्रेस पार्टी कर चुकी है और अब जहां विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी की तैयारी है सरकार को घेरने की। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी खोमन साहू। सीधा उनका रुख कर लेती हूँ। खोमन, सड़क से सदन तक का सफर कांग्रेस पार्टी तय करना चाहती है अपने विरोध प्रदर्शन को लेकर। अब क्या ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है जो ये कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है 21 जुलाई को? देखिए, 21 जुलाई को जब विधायक दल की बैठक होगी कांग्रेस की, तो कांग्रेस के अलग अलग विधायकों को अलग अलग तरीके से सरकार को घेरने की रणनीति के तहत जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं और बहुत कम दिनों के लिए मानसून सत्र हो रहा है, मात्र 5 बैठकें होनी है। बिल्कुल। तो सरकार और जो विपक्ष है वो चाहता है कि सरकार को अलग अलग मुद्दे पर घेरे, चाहे हम कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बात करें या खाद बीज की समस्या को लेकर या जो बिजली कटौती हो रही प्रदेश में लगातार, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है। तो सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी घेरना चाहती, यही कारण है अंजलि की 24 तारीख को जो है विधानसभा का घेराव भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है। और जब 21 तारीख को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें जो अलग अलग विधायक हैं उनको अलग अलग मुद्दे जो है उठाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। बिल्कुल, इसी तरीके की बैठक कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी की थी और हमने देखा था कि किस तरीके से पूरा विधानसभा सत्र हंगामेदार रहा था। तो संभावना यही कुछ छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के लिए भी जताई जा सकती है। आप बने रहिएगा मेरे साथ, अगली खबर के साथ आपका रुख करूंगी। तो देखिए, एक और बड़ी खबर आपको दे दे छत्तीसगढ़ से। मंत्रालय में सीएम विष्णुदेव साय ने ली बैठक। सीएम ने अधिकारियों से चर्चा की है और कई महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी भी ली है। प्रदेश में योजनाओं की प्रगति
की जानकारी ली है। जनता से जुड़े कामों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, ये सीधा दो टूक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से दे दिया गया है। मंत्रालय में सीएम विष्णुदेव साय ने ली है बैठक, सीएम ने अधिकारियों से चर्चा भी की है इस बैठक के दौरान और कई महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी ली है। प्रदेश में योजनाओं की प्रगति की भी जानकारी ली है कि क्योंकि देखिए 6 महीने हो गए हैं तो अब तक सरकार का कामकाज कहां तक पहुंचा उसका जायजा भी लिया है, उसकी समीक्षा भी ली है। और जनता से जुड़े कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, ये सीधा सीधा बयान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सामने आ गया है। तो देखिए इस खबर पर भी अधिक जानकारी के लिए रुख करूंगे मेरे सहयोगी खोमन का। खोमन, मंत्रालय में सीएम विष्णुदेव साय ने अब बैठक ली है, उसमें क्या कुछ मुख्य बातें निकलकर सामने आ रही है? देखिए 7 घंटे तक अंजलि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। चर्चा में जो अलग अलग विभागों के द्वारा योजना संचालित की जा रही है जिसका फीडबैक लेते हुए समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। आने वाले दिनों में किस तरीके से काम काज करना है योजना को लेकर उसका भी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है, लेकिन साफ तौर पर और दो टूक ये कहा है कि किसी भी तरीके की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो भी अधिकारी होंगे उस पर सीधे तौर पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सरकार चाहती है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद, चूंकि छत्तीसगढ़ और देश में बीजेपी की ही सरकार है, तो ऐसे में डबल इंजन की सरकार के साथ छत्तीसगढ़ की जो विकास है वो बेहतर हो, प्रदेश की जो आम जनता है उसको सभी सुविधा मिले। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि आम जनता से जुड़े जो योजना है उस पर लापरवाही नहीं होना चाहिए, सीधे तौर पर लाभ उनको मिलना चाहिए। अगर इस बीच कोई भी गड़बड़ी या किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई तो सख्त निर्देश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दे दिए हैं और आम जनता के लिए काम भी कर रही है, प्रयास भी कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए केंद्र सरकार ने 2025 तक देश भर से खसरा उन्मूलन का रखा है लक्ष्य। देश भर में खसरा उन्मूलन के लिए स्कूली बच्चे बनेंगे ब्रांड एम्बेसडर और केंद्र ने अपनाया है मध्य प्रदेश का मॉडल। आपको बता दूं इसी मॉडल पर टीकाकरण दर में मिली थी अच्छी सफलता और अब मध्य प्रदेश का ये मॉडल केंद्र सरकार ने अपनाया है, केंद्र सरकार अपनाने जा रही है। केंद्र सरकार ने 2025 तक देश भर से खसरा उन्मूलन का रखा है लक्ष्य। तो अब सरकार की ये जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी पहल देखी जा रही है, जहां पर मीसल्स इरेडिकेशन के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है कि 2025 वो साल है जब देश भर से खसरा उन्मूलन हो जाना चाहिए। देश भर में खसरा उन्मूलन के लिए स्कूली बच्चे ही बनेंगे ब्रांड एम्बेसडर, जिनसे जुड़ी है उन्हीं को बनाया जाएगा ब्रांड एम्बेसडर और केंद्र ने ये मध्य प्रदेश का मॉडल अपनाया है। और मध्य प्रदेश सरकार ने जब इस मॉडल पर काम किया था तो टीकाकरण दरों में काफ़ी अच्छी सफलता हाथ लगी थी और अब ये मॉडल केंद्र अपनाने जा रही है। 2025 तक देश भर से खसरा उन्मूलन का रखा लक्ष्य, देश भर में खसरा उन्मूलन के लिए स्कूली बच्चे बनेंगे ब्रांड एम्बेसडर। मीजल्स एक ऐसी बीमारी है जिससे आज भी जूझते हैं लोग और अब उसके उन्मूलन के लिए तत्पर केंद्र सरकार नजर आ रही है। और बड़ी खबर ये भी है कि इसके लिए मध्य प्रदेश का मॉडल अपनाने जा रही है, मध्य प्रदेश का मॉडल अपनाएगी केंद्र सरकार। और आपको ये भी बता दूं किसी मॉडल पर टीकाकरण दर में मिली थी अच्छी सफलता और इसी उद्देश्य के साथ, इसी लक्ष्य के साथ तय किया गया है 2025 तक खसरा उन्मूलन का लक्ष्य। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। सूरज, प्रदेश सरकार जब अच्छा करती है और केंद्र सरकार उसको अपनाती है तो ये अपने आप में बहुत अच्छी खबर होती है। अब केंद्र सरकार ने 2025 तक देश भर से खसरा उन्मूलन का लक्ष्य रख दिया है, क्या कुछ ये मॉडल है जिसकी बात हम कर रहे हैं? देखिए निश्चित तौर पर अंजलि, केंद्र सरकार ने खसरा उन्मूलन का लक्ष्य अपनाया है और मध्य प्रदेश की तर्ज पे ये लक्ष्य अपनाया गया है। केंद्र ने जो मध्य प्रदेश का मॉडल है
उसे अपनाया। इसके तहत अंजलि आपको बता दूं, इस मॉडल के तहत टीकाकरण जो दर है, अच्छी सफलता मिली थी टीकाकरण के दर पे। तो ये पूरा जो मॉडल है मध्य प्रदेश का मॉडल है, और मध्य प्रदेश के मॉडल को अगर केंद्र अपनाता है तो कहीं ना कहीं प्रदेश की भी तारीफ होनी चाहिए। और ये जो 2025 का खसरा उन्मूलन का लक्ष्य जो है 2025 तक पूरे देश भर के लिए अपनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश ने जिस तरह से इसके लिए पहल की थी, अब मध्य प्रदेश का जो ये पूरा मॉडल है, ये पूरा मॉडल अब केंद्र अपना रहा है। इसके तहत जो है स्कूली बच्चों को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाएगा। तो अलग अलग जो चीजें हैं कहीं ना कहीं इसमें मुख्य तौर पर सबसे बड़ी बात अंजलि ये है मध्य प्रदेश के तौर पर कि मध्य प्रदेश ने ये पूरा मॉडल अपनाया था। पहले मध्य प्रदेश का जो मॉडल है वो केंद्र सरकार अपना रहा है। बिल्कुल, आमतौर पर हम देखते हैं कि केंद्र सरकार से प्रदेश तक पहुंचता है कोई भी इस तरीके का मॉडल, लेकिन ये मध्य प्रदेश सरकार की अच्छी पहल रही है और अब इसको केंद्र से भी अनुमति तो मिली है और अपना भी लिया है केंद्र सरकार ने, अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। और देखिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एमपी में आग बुझाने वाले कर्मचारियों को पहली बार मिलेगी बॉडी जैकेट, 70 करोड़ रुपए से खरीदी जाएगी बचाव सामग्री, औद्योगिक आपदा पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। तो देखिए वैसे तो जैसे जैसे गर्मी चढ़ी थी वैसे वैसे आगजनी की तमाम घटनाएं निकलकर सामने आई थी, और अब आग बुझाने वाले कर्मचारियों के लिए, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के लिए ये बड़ी खबर मिल रही है कि पहली बार मध्य प्रदेश में उन्हें बॉडी जैकेट मिलने वाली है। 70 करोड़ रुपए से खरीदी जाएगी बचाव सामग्री और औद्योगिक आपदा पर अधिक ध्यान भी दिया जाएगा। साथ ही साथ देखिए इंडस्ट्रियल हादसे जो हो जाते हैं उस पर भी, उसको देखते हुए भी ये एक बड़ा सेफ्टी मेजर देखा जा सकता है। एमपी में आग बुझाने वाले कर्मचारियों को पहली बार मिलने जा रही है बॉडी जैकेट और 70 करोड़ रुपए से खरीदी जाएगी बचाव सामग्री, औद्योगिक आपदा पर अधिक ध्यान भी दिया जाएगा। इसी के साथ साथ और देखिए रायपुर में मतदाता आभार सम्मेलन का होगा आयोजन, ग्रामीण और उत्तर विधानसभा में आयोजन होगा। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल मतदाताओं का जताएंगे आभार। दोपहर 3 बजे पाटीदार भवन भनपुरी में रायपुर ग्रामीण विधानसभा के लिए होगा कार्यक्रम। और आपको बता दूं कि शाम 5 बजे एकात्म परिसर रायपुर उत्तर विधानसभा के लिए होगा ये कार्यक्रम। तो देखिए मतदाताओं का आभार जताने का दिन आज चुना है छत्तीसगढ़ सरकार ने। रायपुर में मतदाता आभार सम्मेलन का होगा आयोजन, ग्रामीण और उत्तर विधानसभा में होगा यह आयोजन। और आपको बता दूं कि सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल मतदाताओं का आभार जताने वाले हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में दल से बिछड़ा एक दंतैल हाथी नगर पंचायत प्रतापपुर क्षेत्र में घूम रहा है। बता दें कि 2 दिनों से शाम ढलते ही रिहायशी क्षेत्र में दंतैल हाथी दस्तक दे रहा है। हालांकि वन अमला नगर में मुनादी कर हाथी की निगरानी कर रहा है और हाथी की वजह से लोगों में दहशत है। एक दिन पहले इस हाथी ने स्कूल के गेट तोड़ दिए थे और इसका सीसीटीवी भी सामने आया था, और अब इसीलिए जनता के बीच जो है, रहवासियों के बीच जो है दहशत देखी जा रही है। सूरजपुर में सूरजपुर दल से बिछड़ा एक दंतैल हाथी नगर पंचायत प्रतापपुर क्षेत्र में घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है। सबसे पहले मध्य प्रदेश के मौसम के अपडेट दे दें आपको। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, 35 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। उज्जैन भोपाल में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव हुआ है जिसकी वजह से इस तरीके का मौसम हाल रहने वाला है। इंदौर जबलपुर में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है और 19 जुलाई से तेज बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। आपको ये मध्य प्रदेश के मौसम के अपडेट दे रहे हैं। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है और 35 जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। उज्जैन भोपाल में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव हो गया है जिसकी वजह से इस तरीके का मौसम देखा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी। देखिए छत्तीसगढ़ में मॉनसून फिर से सक्रिय हुआ है, कल से तेज बारिश का अनुमान जताया जा रहा है और कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। दुर्ग रायपुर बिलासपुर में भारी बारिश की संभावना है, तो वहीं बस्तर संभाग में भारी बारिश देखी जा रही है और आगे भी संभावना जताई जा रही है। अगले 5 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा, इसी तरीके का मौसम रहेगा। छत्तीसगढ़ के मौसम का अपडेट कहता है कि मॉनसून वहां पर लगातार एक्टिव है, कल से तेज बारिश का अनुमान, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी दे दी गई है। क्या है मौसम पर ताजा अपडेट्स जानने के लिए रुक करूंगी, मेरे सहयोगी सूरज तिवारी भोपाल से जुड़ गए हैं और खोमन साहू रायपुर से जुड़ गए हैं। सूरज सबसे पहले आपसे जानकारी ले लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम के हाल पर।
देखिए अंजलि, इस वक्त मैं मौसम विभाग मौजूद हूँ और मौसम विभाग में हमारे साथ वीएस यादव वैज्ञानिक मौजूद है, इन्हीं से बातचीत करेंगे, यही समझाएंगे मैप के जरिए कैसा मौसम रहेगा। सर, बारिश तो हो रही है, राजधानी भोपाल में सुबह तड़के बारिश देखी गई, मौसम कैसा रहने वाला है पूरे प्रदेश? प्रदेश में बारिश भर रही रहेगा, जैसे कि आप देखेंगे एक लो प्रेशर एरिया और साउथ उड़ीसा पे बना हुआ है और ट्रफ लाइन वो जैसलमेर, कोटा, गुना, मंडला होती हुई लो तक जा रही है, तो इसके वजह से जो भी दिख रहा है इस लाइन की तरफ अच्छा खासा मॉइस्चर इनकर्शन है और पूरे प्रदेश में बारिश की अच्छी स्थिति बनी हुई है। पूर्वानुमान की बात करें तो अगले दिन के लिए अपने 3 जगह वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट दिया गया है, जो है बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, जहाँ पे वर्षा 115 से लेकर 204 mm तक हो सकती है और वज्रपात भी हो सकता है कहीं कहीं। उसके अलावा उसी से सटे हुए जो दिख रहे हैं वहाँ पे भी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ पे रेनफॉल 64 दशमलव से 114 mm हो सकती है। इंदौर में भी यहाँ पर हैवी रेनफॉल दिखाई दे रही है। हाँ, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, इससे लगा जो है वो गुजरात से लगा जो सेट है अच्छा, उसके अलावा पांडुना, छिंदवाड़ा, सिवनी भी इस तरफ दिया हुआ है। बाकी बारिश, हल्की छुटपुट बारिश पूरे प्रदेश भर में है। सर, राजधानी भोपाल की बात करें तो कैसी बारिश रहने वाली है, आज कैसा मौसम रहने वाला है, कल कैसा रहने वाला है? आज भी बारिश के अच्छे दौर रहेंगे, मतलब रुक रुक के कई वर्षा के दौर हो सकते हैं। इस मुख्यतः से जैसे आप देखेंगे 1:30 या 2 बजे से बाद से लेकर शाम के 5:30 तक कई बार रुक रुक के अच्छी वर्षा और एक आध वर्षा के दौर तेज हो सकते हैं। सर, अभी सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ नोट की गई है? अभी जस्ट आंकड़े आ रहे हैं, अभी अपन 8:30 से रिकवर होना शुरू होते हैं, तो अभी आने वाले हैं। सर, ग्वालियर चंबल साइड कैसा मौसम है, क्या चल रहा है? ग्वालियर चंबल में ज़्यादा नहीं है छुटपुट बारिश, क्योंकि अभी मानसून ट्रफ लाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया, गुना और मंडला होती हुई जा रही है, तो जिस लाइन पर ट्रफ लाइन होता है उसके साउथ वेस्ट सेक्टर में बारिश होती है, ऊपर के इसमें नहीं है, लेकिन जो छुटपुट दिन भर तब होने का कन्वेक्टिव एक्टिविटीज़ के हल्की फुल्की जो बारिश हो जाती है, उसके अलावा तापमान अभी वहाँ बढ़े हुए हैं, वो अपने 35-36-37 तक पहुँच रहा होगा, टिकट में ओड़ाई वगैरह में देखेंगे आप तो ऊपर की जगह पर जहाँ बारिश नहीं है। तो अंजलि, मौसम वैज्ञानिक वीएस यादव जी थे जो बता रहे हैं कि बुरहानपुर हो, खंडवा हो, खरगोन, यहाँ पर हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया। अंजलि, बिल्कुल, मध्य प्रदेश में तो बारिश की संभावना जताई जा ही रही है, छत्तीसगढ़ का मौसम क्या कहता है खोमन? देखिए अंजलि, पिछले एक सप्ताह से छत्तीसगढ़ में रुक रुक कर अलग अलग जिलों में, अलग अलग संभागों में बारिश तो हो रही है, लेकिन जितनी बारिश हुई है वो बहुत कम हुई है, क्योंकि जो बस्तर संभाग की बात करूं मैं, सरगुजा संभाग की बात करूं, दोनों संभागों में लगातार बारिश हो रही है, फिर भी 27% कम बारिश हुई है जी। मैदानी इलाकों में बात करूं रायपुर संभाग की, दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग की, यहां 30% कम बारिश हुई है। अब मौसम विभाग से जो जानकारी मिली है, कल से सभी जगहों पर मैदानी इलाकों में भी, बस्तर संभाग में भी, सरगुजा संभाग में भी अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। आप उम्मीद ये जता रहे हैं कि जो बांध भरे नहीं है अभी तक बारिश के कारण भी, अब आने वाले दिनों में जो 3-4 दिनों की बारिश होने वाली है उस पे अच्छी बांध जो है वो भर जाएगी। इसके अलावा किसान भी काफ़ी चिंतित है, क्योंकि खंड वर्षा जो हो रही है उसके कारण जो है कई खेत सूख गए, तो किसान चिंतित नज़र आ रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरीके से जानकारी दी है उससे कहीं ना कहीं किसान संतोष नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में जब अच्छी बारिश होगी तो राहत मिल जाएगी किसानों को भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी अच्छी खासी बारिश देखी जा सकती है। सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया, खोमन, बहुत बहुत शुक्रिया मौसम के अपडेट्स के लिए। और हम बात कर रहे थे बारिश की, बाढ़ की, इन्हीं सब खबरों की, तो अब अगली खबर खरगोन से है। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के कारण रूपारेल नदी उफान पर है, जिसकी वजह से खंडवा झुरन्या रास्ता सुबह से दोपहर तक 4 घंटे तक बंद रहा है। पुल पर पानी होने के बावजूद भी जान जोखिम में डालकर निकलते दिखे लोग। पिछले साल ऐसे ही पुल पार करने की कोशिश में नदी में एक युवक भी बह गया था और नदी के भीषण रूप लेने से झुरन्या का प्राकृतिक झरना भी डूब गया है। इस तरीके की बाढ़ जैसी ये तस्वीर निकलकर खरगोन से सामने आ रही है, लेकिन फिर भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर वहां से चलते गुजर नजर आ रहे हैं। और बात उज्जैन की भी कर लेते हैं। उज्जैन में हुई झमाझम बारिश से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई जगह जल भराव हो जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं तेज बारिश होने से नदी के किनारे छोटे बड़े मंदिर भी जलमग्न हो गए हैं और घाटों पर पूजा पाठ करने में बड़ी परेशानी भी हो रही है। तो देखिए, उज्जैन में भी बारिश के आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं, जिसकी वजह से कई जगह जल भराव हो गया है।
और अगली खबर रीवा से मिल रही है। रीवा के बीच चौराहे पर एटीएम बूथ को लूटने का प्रयास, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ आरोपी। प्रकाश चौराहे के पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम की यह घटना बताई जा रही है और सुरक्षा कर्मी की लापरवाही भी सामने आई है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको, तो देखिए रीवा के बीच चौराहे पर एटीएम बूथ को लूटने का प्रयास ये किया गया। किस तरीके से युवक जो है अपने एटीएम के अंदर आता है और फिर इधर उधर देखता है और फिर उसकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर भी पड़ती है। ये तस्वीरें देखिए आप, ये खबर रीवा से मिल रही है जहां पर सीसीटीवी में कैद हो गया है आरोपी प्रकाश चौराहे के पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम की घटना बताई जा रही है और किस तरीके से कोशिश की जा रही है। देखिए एटीएम मशीन के पीछे जाता हुआ भी युवक नजर आ रहा है। उनके द्वारा सिर्फ एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि रविवार की दरमियानी रात जो पंजाब नेशनल बैंक है वहां अज्ञात आरोपियों ने चोरी का प्रयास किया है और टूट-फूट की है जो है वो शिकायत है। तो शिकायत को अभी संज्ञान में लिया गया है, शिकायत को जांच में लेकर उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और देखिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक तिवारी रीवा से। विवेक, एटीएम बूथ को लूटने का यह प्रयास किया गया, इस तरीके की घटनाएं अब आम बात हो गई है, लेकिन इस खबर पर पूरी जानकारी क्या है? चलिए, किसी वजह से संपर्क नहीं हो पाया है मेरे सहयोगी से, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, आप जुर्रत देखिए, आप हिमाकत देखिए। रीवा के बीच चौराहे पर एटीएम बूथ को लूटने की ये कोशिश करता हुआ ये शख्स किस तरीके से नीचे बैठकर कुछ खोलने की कोशिश कर रहा है। इसका मकसद है एटीएम बूथ को लूटना। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है आरोपी और आपको बता दूं ये पूरी घटना पंजाब नेशनल बैंक के एक एटीएम की है जो प्रकाश चौराहे पर है। सुरक्षाकर्मी की लापरवाही भी इसमें सामने आई है क्योंकि कहीं भी गार्ड नजर नहीं आ रहा है। और अगली खबर उज्जैन से। सालों बाद ऐसा सहयोग बना है कि सावन महीने की शुरुआत पहले सोमवार से हो रही है और समाप्ति भी सोमवार से ही होगी। उज्जैन में सावन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने सवारी मार्ग का जायजा लिया है और जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। वहीं उज्जैन में निकलने वाली महाकाल की शाही सवारी के लिए करीब 500 पुलिसकर्मी जगह जगह पर तैनात रहेंगे। बाईस तारीख को श्रावण मास शुरू हो रहा है। श्रावण मास में बाबा राजाधिराज महाकाल पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। प्रजा का हाल चाल जाने, देख सकते हैं अधिकारी सभी सवारी मार्ग का निरीक्षण करने पहुंचे और जो जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो भी यहां पर दिए जा रहे हैं। इस समय आईजी भी हैं, संभाग आयुक्त सब भी हैं। सर, निरीक्षण किया जा रहा है सवारी को लेकर, क्या क्या दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं? जैसा आप देख रहे हैं कि सवारी मार्ग का सभी अधिकारीगण उसको देख रहे हैं और अगले सोमवार को सवारी निकाली जाएगी महाकाल भगवान की, तो उसमें क्या व्यवस्थाएं हमें की जानी है ताकि आम लोग श्रद्धालु जो है वो सुविधाजनक तरीके से भगवान की पालकी का भगवान का दर्शन भी कर सकें और सारी हमारी सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं जो हमें की जानी है वो सही तरीके से हो सकें। सभी चीज़ों को ध्यान में रखें आज हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। तमाम अधिकारी आज जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और जहाँ जहाँ से पालकी का भ्रमण होगा वहाँ पर जो जो जर्जर भवन आ रहे थे उनको भी हटाने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। आप देखते हैं कलेक्टर, आईजी, संभागायुक्त सभी तमाम अधिकारी हैं जो यहाँ पर ई कार्ड के माध्यम से पूरे सवारी मार्ग का निरीक्षण किए जा रहे हैं और जहाँ जहाँ भी जरूरी दिशा निर्देश है वो यहाँ पर दिए गए हैं। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।